नमस्कार, मैं हूं रिटो पाजी और आप देखते हैं द खबरी बाबू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज का हर अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कोरोना का हॉटस्पॉट बना औरंगाबाद का पुलिस लाइन, 12 नए पॉजिटिव मिले, इनमें सीआरपीएफ के 4 जवान हैं। शुक्रवार को कुल 14 मामले सामने आए जिसमें पुलिस लाइन के 12 लोग शामिल हैं। आइए जानते हैं और रिपोर्ट। कोरोना का हॉट स्पॉट बना पुलिस लाइन, 12 नए पॉजिटिव मिले, इनमें सीआरपीएफ के 4 जवान। औरंगाबाद का पुलिस लाइन कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। शुक्रवार को कुल 14 मामले सामने आए जिसमें पुलिस लाइन के 12 लोग शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस लाइन में कोरोना के 23 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। वहीं पूरे जिले में कोरोना का आंकड़ा 128 पर पहुँच चुका है। कोरोना के जो नए 14 मामले सामने आए हैं उनमें 4 सीआरपीएफ के जवान और 8 पुलिस विभाग से जुड़े हैं, 2 शहर के पीएचईडी कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। समाज की सुरक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी एवं जवान खुद कोरोना काल में संक्रमण से घिरते जा रहे हैं और असुरक्षित हो चुके हैं। पुलिस लाइन में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना के कारण खुदवा थाने के दरोगा वीरेंद्र तिवारी की मौत हो चुकी है। उसी दरोगा के संपर्क चेन पुलिस लाइन में लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 19 मामले जिले भर में सामने आए थे, इनमें से 11 लोग पुलिस लाइन से जुड़े थे। 11 में से 3 जवान सीआरपीएफ के शामिल थे। शुक्रवार को फिर 14 जो नए मामले आए उनमें से 4 जवान सीआरपीएफ के हैं। सीआरपीएफ के कुल 7 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले को दाद देनी होगी। उनका मानना है कि वे जंगल पहाड़ों में धूप एवं बरसातों में खुद को तपाया है, एक कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस लाइन में कई गतिविधियां एक साथ होती हैं, जैसे मेस में खाना खाना। सैकड़ों जवान हमेशा साथ में फिटनेस प्रैक्टिस करते हैं, सार्वजनिक शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए असावधानियां भी यहां होती है। इसी को हथियार बनाकर कोरोना यहां कहर बरपा रहा है जिससे केस लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए केस देखने के बाद एसपी दीपक बर्नवाल ने कई तरह के गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। अलग खाना खाने, साफ सफाई, खुद की सुरक्षा, सावधानियां बरतने के उपाय बताए हैं। प्रिया कुमारी के साथ आप देख रहे हैं द खबरी।